समुद्री तूफान बाईपर जॉय चीखता चिंघाड़ता हुआ पाकिस्तान के साहिलों की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान के साहिली शहरों से टकराने से पहले उम्मीद यह है कि ये तूफान अपना जोर तोड़ देगा, उस शिद्दत से नहीं टकराएगा। पाकिस्तान के साहिलों से पेशबंदी हुकूमत की तरफ से की गई है। एक तरफ ये समुद्री तूफान बाईपर जॉय है और दूसरी तरफ एक सियासी तूफान है जो सवा साल से जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और उस स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान की सियासी क़यादत को इक़दामात की और पेशबंदी की ज़रूरत है। वो शायद उस तरीके से नहीं की जा रही। आज हैरानकुन तौर पर एक मूड लिफ्टर और एक अच्छी खबर भी है हमारे पास। मुस्लिम लीग नवाज़ का और पीडीएम का जो दौरे हुकूमत है, इसमें ये मौके हमारे पास कम आए कि हम कहें कि जनाब हुकूमत ने यह ज़बरदस्त कर दिया और अब इसमें कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। रूसी तेल बरदार जहाज़, सेकंड लाइटेस्ट क्रूड ऑयल रूस से लेकर 83 मीटर लंबा जहाज़, 45,000 टन इसके ऊपर खाम तेल जो है वो लदा हुआ है, वो पाकिस्तान में पहुंच चुका है। रिफाइनरी में ऑयल को भेजा जा रहा है। मुसद्दिक मलिक साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं बराए पेट्रोलियम, उन्होंने इसके हवाले से गुफ्तगू की। मैं चाहता हूँ कि पहले आगाज़ में आपको जो है वो उनकी गुफ्तगू ज़रा सुनवा दें, ताकि उसके बाद फिर हम ज़ाहिर है कि सियासी मामले की तरफ जाएँगे। सुबह से मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या चीनी करेंसी में ट्रेड हुई है? 75 साल में पहली मर्तबा पहला रूस का तेल का जहाज पाकिस्तान आया है, तो क्या अवाम को मुबारकबाद नहीं बनती? बिल्कुल मुबारकबाद बनती है और साथ ही ये कोशिश भी बनती है कि इसमें अब कंटिन्यूटी हो। एक कमर्शियल मुआहदा है, जाहिर है कि उसकी तफसीलात ये हुकूमत के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बताए। ये भी बताना ज़रूरी नहीं था कि चीनी करेंसी में इसकी अदायगी की गई, क्योंकि इसके हवाले से फिर आपको पता है कि बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। लेकिन असल मामला ये है कि ये किस रेट पर परचेज़ किया गया, आप ये भी ना बताएं। लेकिन जिस दिन आवाम को इसका इम्पैक्ट ट्रांसफ़र होने लगेगा तो उस दिन हम इसको बिलाशुबा ये कह सकेंगे कि वाकई जो मौजूदा हुकूमत है उसकी ये बड़ी कामयाबी है। आज़रबाईजान से LNG इम्पोर्ट करने के हवाले से सुना है कि माहिदा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल जाते जाते ये सब कुछ हो रहा है। एक अच्छी खबर है, इससे हमने आगाज़ किया। लेकिन अब आ जाते हैं उस मामले की तरफ जो कि सियासी तूफ़ान है, थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको मालूम है कि गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर की गई। 9 मई के हवाले से ये कहा गया एक जमात और उसके कायद वो उसमें मुलव्वस थे, उनके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में आर्मी एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई की जाए। और राना सनाउल्लाह साहब एक मरतबा फिर आपने जो है वो आज आए मीडिया के सामने और जो पोजीशन गवर्नमेंट लेती आ रही थी गुज़श्ता कुछ वक्त से, उसको रीट्रेट किया। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा वो भी ज़रा सुन लीजिए। कारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। कोविड से मुतलका जो अमदाद पाकिस्तान को मिली उसे कोविड पे कम, और इस मस्टंडा फौज जो थी जो टाइगर फोर्स के नाम से बनाई गई थी, इनके ऊपर जो है ज्यादा खर्च किया गया। सोशल मीडिया और टाइगर फोर्स के नाम पे जो लिस्टें बनाई गईं, इनको बकायदा सरकारी खातों से अरबहार रुपया जो है वो इनमें तकसीम किया गया, इनको लोन भी दिलाए गए। मामले पे बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं जमीर हैदर साहब। लेकिन पहले चलेंगे सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्ला खान साहब, हमें स्काइप से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी, आपकी आवाज़ थोड़ी ख़राब आ रही है लेकिन आ रही है। अफनान साहब, पहली बात तो ये कि आपको चलें बड़ी आपको मुबारक हो, आपको आपकी हुकूमत ने रूस से जो है वो तेल मंगवा लिया है। इसका इम्पैक्ट इंशाल्लाह आप कामयाबी से ट्रांसफ़र कर पाएंगे, हमारी तो उम्मीद यही है। ये मुझे बता दीजिए कि हुकूमत जो है वो इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के हवाले से जो बयानात सब कुछ चलता रहा पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया, फिर कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया आया, फिर उसके बाद फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस उसके इजलास का एलामिया आया, लेकिन जाहिर है कि कार्रवाई जो है उसका आगाज़ नहीं हुआ। तो क्या एग्जैक्टली आपके पास इस किस्म के सबूत मौजूद नहीं हैं कि इमरान खान साहब को लिंक किया जा सके 9 मई के वाक़यात के साथ, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बात यह है कि 9 मई को होए हुए भी 1 महीना और कुछ दिन हुए हैं और ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा सानिया है और इसकी जो है वो एक बड़ी मुफस्सिल तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उसके अंदर जो भी लोग शामिल होंगे फिर उनको कानूनी तौर पे उनको ऑन टास्क लिया जाएगा। तो उसके अंदर इमरान खान साहब हो या कोई और हो, जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको जो है वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए उनके ऊपर जो है वो केसेस बनाए जाएंगे। कुछ भी बन गए हैं, कुछ भी मजीद बनेंगे। और ये मामला बिल्कुल भी तकरीबन 215 कॉल जो है वो जमान पार्क से गई हैं, ये कोर कमांडर के जो घर पे जिन लोगों ने हमले किए उनको। सही। अच्छा, ये कॉल्स तो एविडेंस तो उनके पास। सही। ये एविडेंस की बात, राना सनाउल्लाह साहब ने एक दावा किया था कि इमरान खान साहब की आवाज़ में ऑडियोज़ मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू मौजूद है जिसमें वो डायरेक्शंस दे रहे हैं हमलों के हवाले से। क्या ये सबूत काफ़ी नहीं है कि इसके तहत फिर अब कार्रवाई की जाए या वो ऑडियोज़ सामने लाई जाएं? वो क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, कुछ ऑडियोज जो हैं वो तो मतलब कि आपको माजी की मालूम है, जैसे जब PTV पे हमला हुआ था तो इमरान खान की और RF अलवी साहब की ऑडियो मौजूद है। इसी तरह की जो है वो ऑडियोज वक्त आने के ऊपर आवाम के सामने भी लाई जाएंगी। ये इसके अंदर खुद पूरी तरह इन्वॉल्व है, इन्होंने बाकायदा इसको इंस्टिगेट किया है, इन्होंने जो है पूरी प्लानिंग की है, इन्होंने फिर उसके बाद बाकायदा जो है वो इंडोक्ट्रिनेशन दी है अपने लोगों को और फिर उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा तरीका बताया कि कहाँ कहाँ जाना है। और ये इनके अंदर जो लोग इस काम के अंदर इन्वॉल्व हैं उनको ऑन टास्क लेके एक गवर्नमेंट जो है वो कानूनी तौर के ऊपर मामला लेके चलेगी आगे। अफनान साहब, 2 दिन में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, एक जावेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जाहिर है कि जावेद लतीफ़ साहब आज खुद तो नहीं आ जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, ऑब्वियसली लीडरशिप की हिदायत होती है। फिर गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर्रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मौलाना साहब कहते हैं कि मैं हुकूमत हमें इस बात का जवाब दे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो भी कुछ इसी किस्म के गुफ्तगू का इजहार करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं जब वो हुकूमत से मुतालबा करेंगे, हम इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करें? व्हाट डज दैट मीन? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि कुछ लोगों के जो है वो रिजर्वेशंस हैं कि मामला जो है वो ज़्यादा तेज़ी से चलना चाहिए और ये बात कुछ लोगों की किसी हद तक दुरुस्त भी है, मगर हुकूमत जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो बगैर किसी मतलब कि किसी की उंगली उठाए हुए एक ऐसा लीगल केस बिल्ड करे जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। ज़ाहिर ये तमाम चीज़ें करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा और जो है वो लग भी रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि ये इमरान खान साहब और जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे उनके गिर्द जो घेरा है वो कम हो जाएगा। सही। अब आ जाते हैं जनाब सियासी मामले की तरफ। इस्तेहकाम ए पाकिस्तान पार्टी अनाउंस हुई है, जहांगीर तरीन साहब लंदन मौजूद हैं, कहा यह गया है कि वो इलाज के लिए गए हैं, कहा यह भी जा रहा है कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। अब इस किस्म का जब ग्रुप कोई बनता है तो जाहिर है कि उसके बड़े शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आता है। मुस्लिम लीग नवाज़ एग्जैक्टली इस डेवलपमेंट को कैसे देख रही है? क्योंकि बातें ये हो रही हैं कि ये ग्रुप है ये अब इतनी सीटें जीत जाएगा कि जिसके पलड़े में अपना वज़न डालेगा वो हुकूमत बनाने के काबिल हो जाएगा। तो ये सिचुएशन आपको सूट करती है? एक जमात जिसकी ना आवाम में जड़ें हैं, जिसका ना नाम एग्जिस्ट करता था, तो उसी फिनोमिना में आप जा रहे हैं। तो आपकी पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ इसको रेजिस्ट करने जा रही है या इसको बगलगीर होने, एम्ब्रेस करने जा रही है? देखिए, बात यह है कि सियासत के अंदर जो है वो मामलात बाज़-औक़ात एक इंसिडेंट और एक इवेंट की वजह से बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। और आज से 1 महीना सवा महीना पहले कोई सोच भी नहीं रहा होगा एक पार्टी बन जाएगी, मगर कुछ ऐसे इवेंट हो गए जिसकी वजह से आज वो पार्टी जो है वो सामने आ गई है। अब मुस्लिम लीग नून का जो है वो प्लान बड़ा वाज़े है, वो ये है कि हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, हम शेर के निशान पर अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करके अपना इलेक्शन लड़ेंगे। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर किसी हल्के में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हुई या कोई ऐसी सिचुएशन बनी जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ कुछ एडजस्टमेंट कर सकें तो ये तो उस हल्के की डायनामिक के हिसाब से होगा, लेकिन ओवरऑल हमारा अपना इलेक्शन होगा। हम 95-98% जो है वो अपना इलेक्शन लड़ेंगे और हम उसके बाद जो लोग जीत के आएंगे, जिनको सीटें में आवाम जिनको वोट डालेंगे, फिर उनसे बात की जा सकती है कि हुकूमत कैसे हुकूमत की फॉर्मेशन कैसे की जाए। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से इंशाअल्लाह पंजाब में मुस्लिम लीग नून अपनी वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत बना लेगी और विफाक में भी इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून अपने इत्यादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। जमीर हैदर साहब, मुझे ये बताएं, बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं अफनान साहब के हुकूमत बना लेंगे, लेकिन आपको लगता है कि ये, पहले तो इस पर बताएं ना कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून, आपको लगता है कि ये मिलकर जो इंदिया दिया जा रहा है कि कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी, इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा, कुछ सीटों के ऊपर एडजस्टमेंट हो जाएगी और जाहिर है फिर वो मुल्तान की भी सीट होगी। वो इसी तरीके से जहाँ जहाँ पर पीपल्स पार्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और मुस्लिम लीग नवाज़ वहाँ पर कमज़ोर है तो वहाँ पर ये अपना वज़न डाल देंगे इस्तेहकाम ए पाकिस्तान पार्टी के पलड़े में। इसका मतलब है कि वो जो शादी हुई थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की वो टूटने वाली है, आपको लगता है? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि दे वर स्ट्रेंज बेड फेलोज़ और इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं बनी थी, अलायंस में आई थी। और अब ये भी कह रहे हैं जो पॉलिटिकल क्रिटिक्स हैं उनका ख्याल है कि ये इस्तेहकाम ए पाकिस्तान पार्टी जो है आईपीपी से मुझे याद आया था इंडिपेंडेंट पावर प्लांट प्रोड्यूसर्स वो भी पैसे वाले लोगों को हुकूमत ने उस वक्त पैसे वाले लोगों को तजवीज़ की थी ये जिम्मेदारी कि बिजली आप बनाएं। बिजली तो आज भी जो है वो खरबपति बिजनेसमैन है, उनको कहा कि इस्तेहकाम आप लेके आएं। तो ये है। और दूसरा ये पॉलिटिकल क्रिटिक्स का ख्याल है कि जितनी जल्दी जितनी तेज़ी से ये पार्टी बनी थी उतनी तेज़ी से इसमें से हवा भी निकलना शुरू हो गई है। इसको एक बबल भी कहा जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या बाकायदा पीएमएलएन ने जिस तरह वेलकम भी कर लिया और पीपल्स पार्टी ने इस पर अपनी रिजर्वेशंस भी का भी इजहार कर दिया कि जी 3.5-4 साल हम आपके साथ रहे, हम आपको सपोर्ट किया, और जो भी हुआ 9 अप्रैल 2022 में उसमें पीपल्स पार्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और उसमें बहुत सारी चीज़ें तय हो गई थी कि जी इस तरह चलेंगे और जब आइंदा इलेक्शन आएगा तो तब हम अपने इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेंगे, जिस पे अभी भी ये कहते हैं। लेकिन अब अगर पीएमएलएन ये समझती है कि पाकिस्तान, अच्छा अब इसके अंदर नज़र आ रहा है कि पीएमएलएन को जो है कुछ तब्दीली नज़र आ रही है पंजाब के अंदर, थोड़ा सा पलड़ा कम से कम साउथ पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भारी होता नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से अब वो डेस्परेट हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ रजू किया जाए कि जो भी आपने अभी वो एक एनालिसिस दिया कि जहाँ पे भी पीपल्स पार्टी अगर ज़रा स्ट्रांग होगी तो वहाँ पे उनको सपोर्ट कर दिया जाएगा या वो पीएमएलएन को सपोर्ट कर देंगे ताकि पीपल्स पार्टी, तो इस पूरे सिनेरियो में टारगेट जो है वो पीपल्स पार्टी को किया जा रहा है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि उनको लग रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंटर से तो शायद बहुत कम लेकिन साउथ और नॉर्थ पंजाब में शायद कुछ इस दफ़ा अपना कमबैक करेगी, तो वो उस पूरे सिनारियो में जो है लग रहा है। और दूसरा लेकिन यह है कि ये क्या समझते हैं कि जो इस वक्त आईपीपी में लोग आए हैं वो जो ख़ासतौर पर अपनी साबिक जमात पीटीआई को छोड़ के आए हैं, वो उनके जो वोटर्स हैं वो उनको वोट नहीं करेंगे क्योंकि गुस्सा रहेगा, शायद वो किसी और को वोट करते हैं। जमीर साहब इस पे करते हैं। अफनान साहब, आपकी जमात साल हर साल से दहाइयों से आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपने ये बात क्यों नहीं सीखी? आपकी जमात को तोड़ा गया, किंग्स पार्टी बनाई गई, काफ लीग आज कहाँ खड़ी है सबके सामने है। पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया, उससे पैट्रियट बनी, उस पैट्रियट की आवाम में जड़े नहीं थी, वो कहाँ खड़ी है सबको मालूम है। आज तहरीक इंसाफ टूट जाती है, उसके बाद ये कहीं और चले जाएं, कोई और सियासी जमात ज्वाइन कर लें, इज़ डिफरेंट, लेकिन एक और प्लेटफॉर्म बनता है, उस प्लेटफॉर्म ने अगेन आप लोगों के ख़िलाफ़ वन वे और दी अदर इस्तेमाल होना है। आप उसको वेलकम कर रहे हैं, आपको पता है कि उनकी आवाम में जड़े नहीं हैं, आप उनके साथ सीट एडजस्टमेंट का भी इंदिया दे रहे हैं, तो आपने क्या सीखा फिर सियासी तौर पर? आपको यहाँ पर पॉलिटिकल मैच्योरिटी का आपको नहीं लगता मुजाहरा करते हुए आपको इसको रेजिस्ट करना चाहिए था? ठीक है, हमने पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था और उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से 2008 से 2018 तक पाकिस्तान में किसी हद तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हुई थी और जिसकी वजह से इकोनॉमिक जो है वो प्रॉस्पेरिटी भी आई थी। मगर इमरान खान साहब ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सिग्नेटरी हैं, ना ही वो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर बिलीव करते हैं। उनका एक फाशिस्ट माइंडसेट है। वो आज भी, कल भी उनकी जो तकरीर थी अभी कुछ दिन पहले, उसमें भी वो यही कह रहे थे कि फौज मुझसे बात नहीं कर रही, आर्मी चीफ मुझसे बात नहीं कर रहा। तो भाई जब आप जो है वो मतलब इनका जब जहन में एक ही रास्ता घुसा हुआ है और वो गेट नंबर 4 से है, तो फिर हम उनकी ऐसे लोगों की क्यों मदद करें? हम तो जो लोग जमहूरियत में यकीन रखते हैं, जो जमहूरी इकदार में यकीन रखते हैं, हम उनको साथ लेके चलने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। I'm sorry, मेरा क्वेश्चन बिल्कुल मुख्तलिफ था। आपने जो सवाल, उसी का जवाब दे रहा हूं। मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए जो आपका वेलकमिंग जेस्चर है वो मैं समझना चाह रहा हूँ कि जमहूरियत के ऊपर वोट को इज्जत दो, सिविलियन सुप्रामेसी, इस तमाम के तनाजुर में मुझे बताइएगा। देखें, उसका इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने थोड़ी बनाई ना, इसका हमारे से क्या ताल्लुक है? भाई एक अपॉर्चुनिटी जो है वो जहांगीर तरीन और इमरान खान को नजर आई है, जिसके तहत उन्होंने जो है उसको कैप्चर किया है। हमने तो नहीं, ना हमने 9 मई के इवेंट किए, ना हमने जो है वो इमरान खान को कहा था कि तुम जाके हमले कर दो। उसके नतीजे में जो कुछ हुआ उसके इम्प्लीकेशन के तौर के ऊपर इस्तेहकाम ए पाकिस्तान पार्टी बनी। अब अगर ये पार्टी आइडियोलॉजिकल फ्रंट के ऊपर अच्छा काम नहीं कर पाएगी और अपने कारकुनों को इकट्ठा नहीं कर सकेगी, वोट नहीं ले सकेगी, तो खत्म हो जाएगी। अगर कर लेगी तो बच जाएगी, बड़ा सिंपल सा रूल है। तो इसके अंदर आप तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वोट को इज्जत दो को कैसे डाल रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। हमने सिविलियन सुप्रेमेसी के लिए और डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए हमेशा कुर्बानियां दी है, आइंदा भी देंगे, लेकिन हम किसी फासिस्ट इंसान को जो है वो उसको सपोर्ट करें जब वो मुश्किल में आ जाए, ये हम क्यों करें भाई। वो तो आज तक इस बात पे यकीन नहीं करता जमहूरियत के अंदर, तो हमें क्या जरूरत है उसको क्या सपोर्ट करने की। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए, आपके इल्म में है कि चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब ने क्यों इस्तीफा दिया है? देखें, चेयरमैन जो नादरा है उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस हैं जो कि अभी इन्वेस्टिगेट हो रही हैं FIA और नैब में। तो ज़ाहिर है वो जब कोई इन्वेस्टिगेशन किसी एक तरफ पहुंचती नहीं है तो मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम ज़ाहिर नहीं लगाऊंगा। अगर कुछ उनके ऊपर निकला तो वो केस आगे चलेगा, अगर नहीं हुआ तो मेरा ख्याल है मामला जो है वो खत्म हो जाएगा। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि जो कुछ डेटा लीकेज हुई है नादरा से और उसकी वजह से जो है उनकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी ख़राब हुई है और उसी के अराउंड जो है वो मामलात की तहकीकात की हो रही है, इसलिए शायद उन्होंने इस्तीफा भी दिया है। आप लोग नजम सेठी साहब को रखना चाहते हैं चेयरमैन PCB, जरदारी साहब चाहते हैं ज़का अशरफ, ये तारिक मलिक वाला मामला, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस, वहाँ पर उसके बाद जो अब वाइब्स आ रही हैं उसमें तो हमें लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ये बजट के बाद कोई काम होने लगा आपके दरमियान। आपका पॉलिटिकल एनालिसिस क्या कहता है, आप लोग कब तक जुड़े रह सकेंगे? आपकी नज़रिया मुख्तलिफ, जमातें मुख्तलिफ, आपकी माजी की मुखासमत, सबको सामने रखते हुए। देखिए, हम कोई जुड़े हुए इस तरह नहीं है कि कोई हमारी कोई इलेक्शन अलाइन है या कोई आइडियोलॉजिकली हमने अपने आप को एक दूसरे के साथ अलाइन कर लिया है। हमारा एक कोएलेशन गवर्नमेंट है जो कि हमने बिल्ड की है और वो भी शायद जरूरत ना पड़ती अगर 2018 में इलेक्शनों को रिग ना किया जाता, लेकिन जो हुआ उसकी वजह से जो सिचुएशन इवॉल्व हुई जिसमें हमने जो है वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई है। और वो मैं आपको भी बता रहा हूँ, इलेक्शन हुकूमत ख़त्म होके हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, पीपल्स पार्टी अपना इलेक्शन लड़ेगी। हम कोई एक दूसरे के साथ मिल के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हमारी अपनी माजी है, अपना परफॉर्मेंस है, उसकी बुनियाद के ऊपर हम आवाम से वोट मांगेंगे और जो हमें वोट दे, जो उन्हें देगा वो उन्हें देगा, जो देगा हमें देगा वो। उसके बाद जो सीटें जो जीतेगा उसके बाद क्या सिचुएशन बनती है वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा और उसके बाद फिर जो है वो कोएलेशन वगैरह बन सकते हैं, उसको तो मैं रूल आउट नहीं करूंगा, लेकिन इलेक्शन हम अपना लड़ेंगे और हम अपनी आइडियोलॉजी और अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर आवाम से वोट मांगेंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया।